So once again, good afternoon, very good afternoon to you all. So हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में ब्रायोफाइटा, लेकिन वो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो आज हम जो है ब्रायोफाइटा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है जी। तो ब्रायोफाइटा जो है उसके अंदर हमने अभी तक पढ़ा था ब्रायोफाइटा के लिए क्या कि जो ब्रायोफाइटा है इसके अंदर सारे प्लांट्स हमें मिलेंगे नॉन वेस्ट। पहली बात तो हमने कही थी कि ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जो हमें कहाँ पे मिलते हैं, सुन रहे हो तुम मुझे सब? ओके ओके, मुझे लगा डिस्कनेक्ट हो गया। तो देखिए बच्चे, हमने ब्रायोफाइटा स्टार्ट किया था, तो ब्रायोफाइटा के कुछ करेक्टर्स हमने कर लिए थे। तो पहला करेक्टर जो हमने किया था दैट वाज के ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, लैंड के ऊपर मिलेंगे। सेकेंड करेक्टर हमने जो किया था वो क्या था कि इनके पास वेस्कुलर बंडल्स नहीं है, अपना खाना खुद बनाएंगे। बॉडी जो है वो थैलस जैसी है, लेकिन इट इज मोर डिफ्रेंशिएटेड देन एल्गी, एल्गी से थोड़ी सी ज्यादा डिफ्रेंशिएटेड है। और अगली चीज हमने की थी कि इनके पास रूट्स नहीं होती, रूट्स की बजाय इनके पास जो प्रेजेंट होते हैं धागे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम राइजोइड्स का नाम देते हैं। फिर हमने बात की थी इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, पहले हम सेक्स ऑर्गन्स की बात कर रहे थे, तो सेक्स ऑर्गन्स के बारे में हमने पढ़ा था कि इनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं सेक्स ऑर्गन्स एक तो इसके अंदर मल्टी सेलुलर होंगे, एल्गी के अंदर यूनिसेलुलर थे और हम नाम देते थे गैमिटेंजिया का, लेकिन इनके अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स होंगे दे विल बी मल्टी सेलुलर, ठीक है। और उनके बाहर एक प्रोटेक्टिव जैकेट लगी होगी, इसीलिए हमने इनको नाम दिया था कि दे आर मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड, ठीक है। तो ये हमारे पास था फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसके पास एक शेप उसकी थी फ्लास्क जैसी, उसके पास एक लंबी सारी नेक थी और स्वोलन सा वेंटर था। नेक के अंदर कुछ सेल्स थे जिनको हमने नाम दिया था नेक कैनाल सेल्स का, वेंटर के अंदर कुछ स्टराइल सेल्स थे वेंटर कैनाल सेल, और वेंटर के अंदर एक अकेला फर्टाइल सेल था जिसका नाम था एग और ऊसफियर, जिसका नाम था एग और ऊसफियर, और ऊपर से इसको कवर करती थी लेग, ठीक है। और ये हमारे पास बाहर इसके पास क्या थी, प्रोटेक्टिव सेल्स की बनी हुई जैकेट, इसीलिए हम इसको, और ये जैकेट के सेल्स जो होते हैं दे आर स्टराइल, स्टराइल होते हैं लेकिन ये क्या करते हैं इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास फीमेल पार्ट था, इसको हम नाम देते हैं किसका, दैट इज आर्किगोनिया, दिस पोर्शन इज कॉल्ड आर्किगोनिया। और मेल पोर्शन जो था उसको हम नाम देते हैं एंथ्रीडिया का, उसकी गोल सी बॉडी थी और उसकी छोटी सी स्टॉक थी, ऐसे लगता है देखने में जैसे टेबल टेनिस का रैकेट होता है, ठीक है। और इसके बाहर भी प्रोटेक्टिव कवर्स की बनी हुई जैकेट थी, इसीलिए हम इसको भी क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर है एंड जैकेटेड है। इसके अंदर पड़े हुए थे एंथीरोजॉइड मदर सेल्स, एंथीरोजॉइड मदर सेल्स आगे चल के हमें क्या बना के देते थे, बाइफ्लैजेलेट एंथीरोजॉइड, ठीक है, क्या बना के देते थे, बाइफ्लैजेलेट एंथीरोजॉइड। ये एंथीरोजॉइड्स फिर ये क्या करता था, पानी के अंदर रिलीज कर देता था आफ्टर एब्जॉर्बिंग वाटर, ये एंथ्रीडिया फट जाता था और फटने के बाद ये एंथीरोजॉइड्स को वो कहाँ रिलीज कर देता था, पानी के अंदर, ठीक है। एंथीरोजॉइड्स पानी के अंदर रिलीज होने के बाद वो ऐसे ऐसे करके स्विम करते रहते थे, मूव करते रहते थे, ठीक है। इतने में वेंटर के सेल्स कुछ केमिकल सिक्रेट करते हैं और वो केमिकल जो है पानी में पड़े हुए एंथीरोजॉइड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो हम कहते हैं कीमोटेक्टिकली एंथीरोजॉइड्स जो है वो ट्रेवल करके फीमेल तक जाएंगे। कीमोटेक्टिक मूवमेंट होती है, कीमो का मतलब होता है केमिकल, टेक्टिक का मतलब होता है अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन की वजह से किसी केमिकल की तरफ अट्रैक्ट होके ये मूव करके वहां जाएंगे, ठीक है। जब ये वहां जाएंगे तो वहां जाके देखो क्या होएगा,
अब एनसीसी और बीसीसी को कहीं से पानी मिल गया तो इन्होंने क्या किया, म्यूसिलेजिनस मास बनाया. वो म्यूसिलेजिनस मास स्वेल करेगा एंड अल्टीमेटली इट विल पुट प्रेशर ऑन द लिड, तो लिड ब्लो ऑफ हो जाएगी. खुल गई लिड, लिड खुल गई तो क्या होएगा, एनसीसी और बीसीसी जो है वो डिजेनरेट हो जाएंगे, वो म्यूसिलेजिनस मास खत्म हो जाएगा. खत्म हो गया तो अब क्या होएगा, पाथ नाउ पाथ अप टू द एग इज क्लियर. एग तक का जो पाथ है वो बिल्कुल क्लियर हो गया था, तो हमने देखा कि वेंटर के सेल्स अब कुछ केमिकल सिक्रीट करेंगे और वो केमिकल पानी में पड़े हुए एंथीरोजॉइड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. तो एंथीरोजॉइड्स कीमोटेक्टिकली ये खुले हुए पाथ के थ्रू जाके एग के साथ क्या कर जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे. तो फर्टिलाइजेशन कैसी हो गई, ओ गैमस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इसके अंदर मेल गेमीट मोटाइल है, स्मॉल है, फीमेल गेमीट बड़े साइज की है, नॉन मोटाइल है और उसके पास खाना भी है ढेर सारा, तो इसको हम कहेंगे ओ गैमस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन थी. ठीक है, और उसके बाद हमने एक चीज इंपॉर्टेंट जो की थी, पहली चीज क्या की थी कि जो ब्रायोफाइट्स हैं, ठीक है, although they are the terrestrial plants, लैंड के ऊपर रहते हैं, but still इसको अपने organs, sex organs की dehiscence के लिए, dehiscence होता है जब वो फट के gametes से रिलीज करते हैं, तो उसकी dehiscence के लिए इनको पानी की जरूरत है. फिर मेल को फीमेल तक जाने के लिए पानी की जरूरत है. ठीक है, इसीलिए पानी के बिना ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते. ठीक है, और रहते कहाँ पे है, लैंड पे, तो जो लैंड पे भी रहेगा पानी पे भी रहेगा उसको कहते हैं एमिफीबियंस. इसीलिए हम इस ग्रुप को कहते हैं एमिफीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम. समझ आई इतनी चीज? तो यहां तक हमने लास्ट क्लास में एक बार कर लिया था, लेकिन वो लिंक सा खत्म हो जाता है, इसलिए मैंने एक बार तुम्हें दोबारा रिकैप्चुलेट करवा दिया सारा. ठीक है, अब देखो बच्चे, अब जो चीज है तुमने इंपॉर्टेंट वो करनी है. तो दो पॉइंट्स तुमने याद रखने हैं कि जो कोई भी बॉडी हमें गैमीट्स बना के देती है, जो कोई बॉडी हमें गैमीट्स बना के देती है, उस बॉडी को हम नाम देते हैं गैमेटोफाइट का. ठीक है, पूरे प्लांट किंगडम के अंदर ये टर्म्स याद रखनी है. और जो कोई बॉडी हमें स्पोर्स बना के देती है, जो कोई भी बॉडी हमें स्पोर्स बना के देगी, उस बॉडी को हम नाम देते हैं स्पोरोफाइट. ठीक है, फाइट का मतलब होता है प्लांट बॉडी, और जो स्पोर्स बनाएगी स्पोरोफाइट, और जो गैमीट्स बना के देगी उसको हम नाम देते हैं गैमेटोफाइट. ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ. अब जैसे एल्गी के अंदर क्या होता था, जैसे ही जाइगोट बनता था तो जाइगोट के अंदर मीओसिस हो जाती थी, ऐसा ही था. लेकिन इसके अंदर जाइगोट में मीओसिस नहीं होगी, इसके अंदर जाइगोट क्या करेगा, जाइगोट के अंदर होगी माइटोसिस. तो जब माइटोसिस होगी तो माइटोसिस इज इक्वेशनल डिविजन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम उतने ही रहते हैं. तो जाइगोट की कंडीशन, जाइगोट की जो कंडीशन है वो ऑलरेडी क्या है, 2n. ठीक है, तो जब इसके अंदर माइटोसिस होएगी तो ये हमें क्या बना के देगा, एम्ब्रियो. तो एम्ब्रियो की कंडीशन भी क्या होएगी, 2n. ओके, अब ये एम्ब्रियो ग्रो करेगा और हमें क्या बना के देगा, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी. स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी भी क्या होएगी, 2n, क्योंकि वो 2n एम्ब्रियो से बनी है. तो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी जो होगी उसके पास क्या क्या होएगा, फुट, सीटा एंड कैप्सूल. ठीक है, इसको हम नाम देते हैं फुट का, एंड दिस इज द सीटा एंड दिस इज द कैप्सूल. तो इसके तीन पार्ट्स हैं, दैट इज द फुट, सीटा एंड कैप्सूल. अब ये प्लांट बॉडी जो है ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है, क्योंकि ये अपना खाना खुद नहीं बना सकती. तो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, थैलस के ऊपर. थैलस के ऊपर ये अपने फुट के थ्रू लगी होएगी. तो थैलस हमें क्या बना के देता था, गैमीट्स बना के देता था, इसीलिए थैलस को हम गैमेटोफाइट का नाम भी दे देते हैं. तो ये बॉडी जो है इट इज नॉट इंडिपेंडेंट, रादर इट इज डिपेंडेंट अपॉन, ये जो रेड कलर का मैंने नीचे बनाया है, दिस इज द थैलस और गैमेटोफाइट, इसके साथ ये फुट के थ्रू लगी हुई है. और फुट के थ्रू ये अपना न्यूट्रिशन जो है कहां से ले रही है, फ्रॉम द गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी. ठीक है, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी से ये फुट के थ्रू क्या ले रही है, अपना न्यूट्रिशन ले रही है. तो अब फुट के थ्रू जब न्यूट्रिशन ले रही थी तो न्यूट्रिशन सीटा में गया, सीटा के बाद कैप्स्यूल में गया. तो जो कैप्स्यूल के अंदर गया तो कैप्स्यूल के अंदर कुछ सेल्स पड़े थे, जिन सेल्स को हम नाम देंगे किसका, स्पोर मदर सेल्स का. उनकी कंडीशन भी क्या है, 2n. तो जब उनके अंदर न्यूट्रिशन जाना शुरू हो गया तो उन सेल्स ने क्या करनी शुरू कर दी,
मियोसिस क्या करनी शुरू कर दी, मियोसिस, मियोसिस से उसने क्या बनाया स्पोर्स। मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन का नाम देते हैं क्योंकि क्रोमोसोम नंबर रह जाता है हाफ, तो जो स्पोर्स बनेंगे उनकी कंडीशन क्या होएगी एन। अब स्पोर्स जो है ये कैप्सूल रप्चर होएगा और स्पोर्स को रिलीज करेगा, और जहां कहीं पे भी स्पोर्स गिरेंगे अगर कंडीशंस फेवरेबल हुई तो दे विल गिव राइज टू द न्यू गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी, नई गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी बना देंगे जो कि अगेन कैसी होएगी थैलस जैसी। ओके, तो ये स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेट करके हमें क्या बना के दे देते हैं थैलोइड प्लांट बॉडी, जिसको हम किसका नाम देते हैं गेमिटोफाइट। समझ आया तुम्हें? ठीक है, तो ये इसका लाइफ साइकिल। तो मैंने तुम्हें क्या बताया कि इस ग्रुप के अंदर जाइगोट में मियोसिस नहीं होगी, रादर जाइगोट क्या करेगा माइटोसिस करके पहले एम्ब्रियो बनाएगा, फिर एम्ब्रियो ग्रो करके हमें एक मल्टी सेलुलर स्पोरोफिटिक डिप्लॉयड प्लांट बॉडी बना के देगा जिसका नाम क्या है दैट इज द स्पोरोफाइट। उस स्पोरोफाइट के पास तीन चीजें हैं, फुट, सीटा एंड कैप्स्यूल। कैप्स्यूल उसका एयर के अंदर है, रखेगा उसको सीटा एयर के अंदर, और जो फुट है वो कहाँ पे लगा हुआ है थैलस के ऊपर, दैट इज ऑन द गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, तो जो फुट है वहां से वो फुट की हेल्प से न्यूट्रिशन डिराइव कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी इज पैरासिटिक ओवर द गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी। तो गेमिटोफाइट उसको न्यूट्रिशन दे रहा है, जब जब न्यूट्रिशन मिलता गया तो न्यूट्रिशन पहुंचा कैप्स्यूल के सेल्स के पास, कैप्स्यूल में कुछ सेल्स थे जिनका नाम था स्पोर मदर सेल्स, और उन सेल्स के अंदर हुई मियोसिस, उन्होंने बनाए स्पोर्स, कैप्स्यूल रप्चर किया और जहां फटके जहां जहां उसने स्पोर्स रिलीज किए वहां वहां वो गिरे, अगर कंडीशन फेवरेबल थी तो जर्मिनेट करके क्या बना दिया गेमिटोफाइट। तो बेटा जब हम इसको डिफाइन करते हैं ना ब्रायोफाइटा को, तो हम ब्रायोफाइटा को ऐसे ही डिफाइन करते हैं कि ये जो प्लांट्स हैं ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जिनको पानी की भी जरूरत पड़ती है फॉर रिप्रोडक्शन, और साथ में हम एक लाइन लिखते हैं इनके अंदर जो मेन डोमिनेटिंग प्लांट बॉडी है दैट इज द गेमिटोफाइट जो कि हैप्लॉइड है, उसकी कंडीशन एन है, एंड द स्पोरोफिटिक डिप्लॉइड मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी इज पैरासिटिक ओवर द गेमिटोफाइट। प्लांट किंगडम के अंदर इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कौन किसके ऊपर कब कैसे पैरासाइट है, क्योंकि तुम देखोगे कि अगला ग्रुप जब हम करेंगे ब्रायो के बाद टेरिडोफाइटा तो कंडीशंस बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। ठीक है, उसमें ब्रायोफाइटा ये सॉरी जो है हमारा गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, लेकिन जब उसके बाद तुम स्पर्मेटोफाइटा करोगे दैट इज द जिम्नो एंड एंजियो, तो तुम क्या देखोगे कि उसमें स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी मेन प्लांट बॉडी हो जाएगी और गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी विल बी डिपेंडेंट अपॉन द स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। तो चीजें चेंज होती जाएंगी, अकॉर्डिंगली लाइफ साइकिल बदलता जाएगा, इसीलिए इस चीज को ध्यान से समझो। जिसको समझ नहीं आई, जिसको आ गई थम्स अप करो, जिसको नहीं आई तो आई कैन रिपीट इट एनी नंबर ऑफ टाइम्स बट तुम्हें समझ आनी चाहिए। तो मैं एक बार दोबारा बता रही हूँ, हमने क्या किया कि सेक्स ऑर्गन्स जो थे वो थे मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड, किसने रिलीज किए थे थैलस लाइक प्लांट बॉडी ने रिलीज किए थे, जिसको हम नाम देते हैं गेमिटोफाइट का क्योंकि वो हमें गेमीट्स बना के देते। तो उसने सेक्स ऑर्गन्स बनाए, फीमेल बनी तो नाम रखा आर्किगोनिया जो के फ्लास्क जैसी थी, मेल बना तो रखा नाम एंथ्रीडिया जो के कैसा था हमारे टेबल टेनिस के रैकेट जैसा था। जो फीमेल थी उसके अंदर एनसीसी वीसीसी और एक एग पड़ा हुआ था। पाथ क्लियर हुआ, मेल गैमेट स्विम करके कीमोटैक्टिकली अट्रैक्ट होके फीमेल तक गई, दोनों फ्यूज कर गए तो जाइगोट बन गया। अब जो जाइगोट है वो मेल और फीमेल के फ्यूजन से बना है तो क्रोमोसोम नंबर डबल हो गया, अगर एन इसमें था एन इसमें था दोनों फ्यूज किए तो अब कंडीशन 2n हो गई, तो जाइगोट की कंडीशन 2n है। अगर जाइगोट इसकी एल्गी की तरह अभी साथ के साथ मियोसिस कर देता तो स्पोर्स बना देता एन, लेकिन ये जाइगोट विल नॉट इमीडिएटली अंडरगो मियोसिस, पहले ये करेगा माइटोसिस तो बनाएगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो फिर से क्या करेगा ग्रो करके हमें क्या बना के देगा एक डिप्लॉयड बॉडी जो कि मल्टी सेलुलर होएगी, और उस बॉडी को हम किसका नाम देते हैं स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का नाम देते हैं।
ठीक है, और वो जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है उसने स्पोर्स बनाने हैं, इसीलिए उसका नाम स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है। वो डिप्लॉयड है बट वो इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है मतलब इट इज पैरासिटिक ओवर द गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी, क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकती। अपना खाना वो खुद नहीं बना सकती तो वो खाना कहाँ से लेगी? फ्रॉम द गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी, जो कि मेन है, ग्रीन कलर की है, अपना खाना खुद बना सकती है और थैलस जैसी है। तो उससे उसने न्यूट्रिशन लिया, न्यूट्रिशन लेके जो कैप्सूल के अंदर सेल्स थे, स्पोर मदर सेल्स, उन्होंने मियोसिस करके स्पोर्स बनाए। स्पोर्स जो थी उनकी कंडीशन एन थी, जहां कहीं गिरेंगे कंडीशंस फेवरेबल होंगी, जर्मिनेट करेंगे और दोबारा से क्या बना देंगे तुम्हारे पास नया थैलस, दैट इज द गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी। खुशी यू वॉन्ट टू आस्क समथिंग? यू कैन अनम्यूट यूर सेल्फ एंड यू कैन आस्क। खुशी मुझे कोई मैसेज भी मिला था लेकिन वो रीड नहीं हो पा रहा, किसी वजह से खुल नहीं रहे मैसेजेस। इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन यू कैन डायरेक्टली टेल मी विद बाय अनम्यूटिंग योरसेल्फ, बिकॉज मुझे लगता है कि मेरी चैट खुल नहीं रही। अगर क्लियर है तो आप मुझे थम्स अप कर सकते हो। तो हमने इसके अंदर जो चीज करनी है मेन वो क्या है? खुशी यू कैन मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर इफ यू आर हैविंग फेसिंग सम प्रॉब्लम। ओके ओके अच्छा, तो जो है देखिए हमने क्या किया, हमने कहा कि इसके अंदर मेन प्लांट बॉडी जो है दैट इज गेमिटोफाइट, कंडीशन उसकी एन है, वो हमें गैमीट्स बना के देती है, इसके लिए उसका नाम गैमेटोफाइट रखा है। थैलस जैसी दिखती है, ग्रीन कलर की है, अपना खाना खुद बनाएगी। दूसरी प्लांट बॉडी जो लाइफ साइकिल में आई दैट इज द स्पोरोफाइट, डिप्लॉयड है, इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है किसके ऊपर? ऑन द गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी। ठीक है, डिप्लॉयड है बट गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर देयर न्यूट्रिशन। ओके, तो देखो बच्चे हम जरा लाइफ साइकिल बनाए इसका, देखो ध्यान से कैसे बनेगा। देखिए जरा, ये हमारे पास थी गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी, इंडिपेंडेंट थी, ग्रीन कलर की थी और कैसी दिखती थी? थैलस लाइक दिखती थी। ठीक है, कंडीशन इसकी एन थी और अपना खाना खुद बनाती थी, दैट इज ऑटोट्रॉफिक। इसने आगे चल के हमें बना के दी मेल और फीमेल गैमीट्स। ठीक है, बना के दी क्योंकि गेमिटोफिटिक नाम है इसका। तो इनकी कंडीशन भी क्या थी? एन एन, दोनों आपस में क्या कर गई? फ्यूज। तो जो दोनों आपस में फ्यूज करी तो क्या बन गया? जाइगोट। जाइगोट जो था n प्लस n से बना, तो कंडीशन इसकी क्या है? 2n, डिप्लॉयड है। अब जो जाइगोट है इट विल अंडरगो माइटोसिस, क्या करेगा? माइटोसिस। माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन, तो कंडीशन क्या रहेगी? 2n ही रहेगी। तो क्या बना के देगा हमें? एम्ब्रियो बना के देगा जो क्या होएगा? 2n। अब ये जो है ग्रो करेगा एंड इट विल गिव राइज टू स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, जिसके पास क्या क्या होएगा? कंडीशन उसकी 2n होएगी, फुट सीटा एंड कैप्सूल होएगा। और इसका जो कैप्सूल है उसके अंदर फिर होएगी मियोसिस, और कैप्सूल पार्ट के अंदर जब मियोसिस होएगी तो वो हमें क्या बना के देगा? दैट इज द स्पोर्स। स्पोर्स जहां कहीं पे भी गिरते हैं मियोसिस से बनते हैं, कंडीशन इनकी एन होएगी, हैप्लॉयड। जहां कहीं पे भी गिरेंगे वो क्या करेंगे? जर्मिनेट, और जर्मिनेट करके क्या बना के देते हैं हमें? नई गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी, दैट इज अगेन इंडिपेंडेंट, ग्रीन इन कलर एंड थैलॉयड होएगी। अब देखो ध्यान से जरा देखो, लाइफ साइकिल के अंदर इतनी जो फेज थी, इतनी ये फेज थी डिप्लॉयड, और बाकी सारी फेज जो है वो है एन, हैप्लॉयड।
और इसमें इंडिपेंडेंट फेज कौन सी है, हैप्लॉइड। डोमिनेटिंग फेज कौन सी है, डोमिनेट होती है जो अपना खाना खुद बनाती है, दूसरों की हेल्प करती है और खुद कोई हेल्प नहीं लेती। तो डोमिनेटिंग या फिर मेन प्लांट बॉडी कौन सी है, दैट इज द गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी। लेकिन दूसरी स्टेज भी आती है, दैट इज द स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, बट स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी इज पैरासाइट ओवर द गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी। तो हम क्या कहेंगे कि लाइफ साइकिल जो है वो कैसा है, हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक दोनों फेजेस आती हैं, ठीक है, लेकिन लाइफ साइकिल को हम किसका नाम देंगे, हैप्लोडिप्लॉन्टिक का, क्योंकि ज्यादा टाइम के लिए कौन सी स्टेज रही है, हैप्लॉइड, इसलिए नाम आगे रखा हैप्लो, और बाकी कौन सी स्टेज थी, डिप्लॉइड, इसलिए नाम रखा हैप्लो डिप्लॉन्टिक। तो उसका लाइफ साइकिल कैसा था, हैप्लॉन्टिक एल्गी का, और ब्रायोफाइटा का लाइफ साइकिल हमारे पास कैसा है, हैप्लो डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, ठीक है। देखो जरा एक बार बोर्ड के ऊपर जरा दोबारा ध्यान दो कि क्या कि लाइफ साइकिल में पहले तो कौन सी स्टेज चलती है, गेमिटोफिटिक, ये वाली, फिर लाइफ साइकिल चलता जाता है और फिर से कौन सी स्टेज आती है, स्पोरोफिटिक, फिर से घूम के कौन सी आती है, गेमिटोफिटिक, फिर से कौन सी आती है, स्पोरोफिटिक। तो लाइफ साइकिल में दो स्टेजेस हैं जो बार बार क्या कर रही हैं, ऑल्टरनेट कर रही हैं। तो हम इनको क्या कहेंगे कि देयर इज ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशंस, दो जेनरेशंस हैं जो ऑल्टरनेट कर रही हैं, एक हैप्लॉइड है और एक डिप्लॉइड है। तो इसके लाइफ साइकिल के अंदर ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशंस है, और दोनों जेनरेशंस कैसी हैं, दोनों जेनरेशंस को मैं अपने हाथ पे रखूं, एक मैंने इधर रखी एक मैंने इधर रखी, तो तुम क्या उसको बाहर से देख के पहचान लोगे कि कौन सी जनरेशन कौन सी है, ऑब्वियसली पहचान लोगे। अगर तुम गेमिटोफिटिक जनरेशन देखोगे तो तुम देखोगे इट इज थैलस लाइक, बाहर से दिखने में ही पता चल जाएगी। अगर तुम स्पोरोफिटिक देखोगे तो तुम तीन चीजें देखोगे, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। तो दोनों की मॉर्फोलॉजी अलग अलग है, तो हम इसके लिए वर्ड क्या यूज करेंगे, हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशंस। हेट्रो का मतलब डिफरेंट, मॉर्फिक मतलब मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मींस एक्सटर्नल अपीयरेंस, मतलब बाहर से देखने पे ही पहचान आ जाती है कि कौन सी जेनरेशन कौन सी है। तो हम क्या कहेंगे कि देयर इज हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशंस एंड द लाइफ साइकिल इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो हमने क्या कहा कि ब्रायोफाइट्स आर द प्लांट्स, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, जिनके अंदर द मेन डोमिनेटिंग प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड, एंड द स्पोरोफिटिक डिप्लॉइड मल्टीसेलुलर प्लांट बॉडी इज पैरासाइट ओवर द गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी। ओके, सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टीसेलुलर एंड जैकेटर, पानी के बिना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते, सो दे आर कॉल्ड एज एमिफीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, ठीक है। देन हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ओगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जायगोट विल नॉट अंडरगो मियोसिस डायरेक्टली, इट विल फर्स्ट अंडरगो माइटोसिस, देन इट विल गिव राइज टू द स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी हैविंग फुट, सीटा एंड कैप्स्यूल। कैप्स्यूल के अंदर स्पोर मदर सेल्स, दैट विल अंडरगो मियोसिस एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, दैट स्पोर्स वेयर एवर इट दे विल फॉल इफ द कंडीशंस आर फेवरेबल दे जर्मिनेट एंड दे अगेन गिव राइज टू द गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी। सो द लाइफ साइकिल इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक विद हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशंस। अब एल्गी में ना तो ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशंस था, ना उसके अंदर एम्ब्रियो स्टेज थी, और लाइफ साइकिल उसका था हैप्लॉन्टिक, ठीक है। अब एक बार सारे मुझे बताओ थम्स अप खड़े करके कि आप लोगों को ये चीज पता लगी, फिर मैं तुम्हें जो है स्लाइड्स रीड करवाऊंगी, ठीक है, अदरवाइज आई कैन रिपीट इट अगेन। हाँ जी बताइए, यहां तक क्लियर है, अंशिका क्लियर है, ओके बच्चे, खुशी क्लियर है, मनप्रीत क्लियर है, निशांत को भी क्लियर है, मयंक ठीक है, मनप्रीत ठीक है, हरकीरत ठीक है, ओके बच्चे, थैंक यू सो मच। तो देखते हैं फिर हम थोड़ी सी रीडिंग करते हैं अब इसकी, ठीक है, तो हमें पता लग जाएगा कि कहाँ पे हमें दिक्कत आ रही है, हमने लिखा क्या हुआ है स्लाइड्स के अंदर। तो ये देखिए
They are the non-vascular terrestrial plants of moist habitats. Multicellular haploid sporophyte is a पैरासाइट. यहाँ पे डिप्लॉयड आएगा, स्पोरोफाइट हैप्लॉयड लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे डिप्लॉयड आएगा, ये गलती है. इंडिपेंडेंट मल्टीसेलुलर हैप्लॉयड गैमेटोफाइट, हाँ यहाँ पे हैप्लॉयड है, वहां पे डिप्लॉयड आएगा. ठीक है, मल्टीसेलुलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स हैं, सेक्स ऑर्गन्स के अराउंड जैकेटेड है. रूट्स एब्सेंट है, राइजॉइड्स प्रेजेंट है जो प्लांट को एंकर करके रखेंगे इनटू द सॉइल. Bryophytes includes the various mosses and liverworts that are found commonly growing in moist shaded areas in the hills. Mosses and liverworts, इनके दो types के plants हैं जो हम इनकी classification करेंगे उसमें पढ़ते हैं. ठीक है, तो अभी जोर देने वाला point जो है, that is they are found in moist shady places. Moist shady places के अंदर मिलते हैं. Then the most important thing is they are also called as the amphibians of the plant kingdom because these plants can live in soil but are dependent on water for their sexual reproduction. They usually occur in damp, shady, humid localities. They play an important role in, ये हम बाद में देखते हैं कि इनकी economic importance क्या है. The plant body of bryophyta is more differentiated than that of the algae. It is thallus-like and prostrate or erect and attached to the substratum by unicellular or multicellular rhizoids. They lack true root, stem or leaf. इनके पास root, stem or leaf नहीं present है. ठीक है, then ये देखिए, ये हमारे पास कुछ plants हैं. ये पहला जो है that is the Markensia. Second जो है that is the fern funeria, moss funeria. Then, जो हमारे पास है डी, वो सफेगनम है. ठीक है, तो ये हमारे पास गेमेटोफिटिक स्ट्रक्चर है इनके, मार्केंशिया का. देन रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स देखते हैं. द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज हैप्लॉइड, इट प्रोड्यूसेस गेमीट्स, इसीलिए इसको गेमेटोफाइट का नाम देते हैं. सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टीसेलुलर. Male sex organ is called antheridium. They produce biflagellate antherozoids. And the female sex organ is called archegonium, flask-shaped and produces single egg. Antherozoids are released into water where they come in contact with the archegonium. Archegonium ke contact mein aate hain. And antherozoid fuses with the egg to produce the zygote. Zygote ban gaya. Zygote do not undergo reductional division immediately. Zygote jo hai wo immediately meiosis nahi karega. They produce a multicellular body called a sporophyte. Kya banayenge pehle wo? Ek multicellular body banayenge jiska naam hai sporophyte. The sporophyte is not free living but attached to the photosynthetic gametophyte and derives nutrition from it. तो स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं है, बट इट इज अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गेमेटोफाइट और वहां से वो न्यूट्रिशन जो है वो क्या करता है, अपना डिराइव करता है. ठीक है, न्यूट्रिशन डिराइव करता है. सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट, कौन से स्पोर मदर सेल्स कैप्सूल के अंदर जो होते हैं, दे अंडरगो रिडक्शन, उनके अंदर मियोसिस होती है और वो क्या बना के देते हैं हमें, हैप्लॉइड स्पोर्स, और ये जर्मिनेट करके क्या बना के देते हैं हमें, गेमेटोफाइट. They will result in the formation of gametophyte. Okay? तो ये हमारे पास जो है, that is the, एक मैंने तुम्हें question बताया था कि why bryophytes do not attain great heights. एक तो इनके पास roots नहीं है, reproduction के लिए इनको पानी की जरूरत है, अगर ज्यादा ऊपर चले गए तो reproduction नहीं होगी. Then अगर ज्यादा ऊपर चले गए तो इनको conducting tissues की जरूरत पड़ेगी, वो भी नहीं है. Mechanical tissue की जरूरत पड़ेगी, वो भी नहीं है. इसीलिए bryophytes जो है वो ज्यादा लंबी height attain नहीं करते. Why do bryophytes called the amphibians of the plant kingdom? I think now you know the answer, because they cannot complete their life cycle without water, although they are found on land. Land ke andar milte hain, theek hai? They are called amphibians of the plant kingdom because these plants can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction. Okay? तो इसके बाद हम इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे. यहां तक देखो, किसी को कोई दिक्कत? अब पहले मैं तुम्हें इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कराती हूँ. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के हमें क्या क्या इनके फायदे हैं. पहली चीज तो देखो, ब्रायोफाइट्स जो हैं, इनके अंदर कुछ प्लांट्स ऐसे आते हैं. पहले तो देखो, ये ऐसे ग्रो करते हैं. एक मिनट, ये देखो ऐसे. तो जहां कहीं पे भी ग्रो करेंगे, दे विल फॉर्म अ मैट लाइक स्ट्रक्चर.
बिल्कुल सबस्ट्रेटम के साथ चिपक जाएंगे और मैट जैसे ग्रो करेंगे, जैसे हम मैट लगा लेते हैं ना अपने फ्लोर के ऊपर ऐसे। अब इन्होंने मिट्टी को पकड़ के रखा हुआ है और उसके ऊपर ये मैट की तरह लगे हुए हैं। सॉइल को जब ये पकड़ के रखेंगे तो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करेंगे, मतलब सॉइल इरोजन नहीं होने देंगे। तो इनकी सबसे पहली इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो हमारे हाथ में आती है, दैट इज द कि दे फॉर्म डेंस मैट। सबसे लास्ट पॉइंट देखो, सिंस मॉसेस फॉर्म डेंस मैट ऑन द सॉइल, दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। और जो सॉइल इरोजन होता है उसको ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद मॉसेस अलॉन्ग विद लाइकन्स आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू मैंने जब तुम्हें लाइकन्स कराई हैं तो लाइकन्स के साथ मैंने तुम्हें बताया था कि दे आर द पायोनियर्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। तब मैंने मॉसेस की बात की थी कि मॉसेस जब ये लाइकन्स जो हैं क्या करेंगी, लाइकन एसिड सिक्रीट करके गड्ढे वो कर देंगी थोड़े थोड़े, उन गड्ढों के अंदर पानी रुकना शुरू हो जाएगा और पानी के अंदर कहीं से आके स्पोर्स गिरेंगे, किस चीज के, इनके मॉसेस के। मॉसेस जो है वो अपने राइजोइड्स को, जो राइजोइड्स उनके ग्रो करेंगे उनको वो पेनिट्रेट करेंगी इनटू द जो क्रिविसेस बनी होंगी, दरारें बनी होंगी रॉक के अंदर, और फाइनली उस रॉक को तोड़ के धीरे धीरे क्या बना देती हैं, सॉइल बना देती हैं। तो क्या लिखते हैं हम कि मॉसेस अलोंग विद लाइकन्स आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू कॉलोनाइज रॉक्स। रॉक्स के ऊपर ग्रो करने वाले ये पहले ऑर्गेनिजम्स हैं लाइकन्स के साथ, एंड हेंस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सबस्ट्रेट सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द हायर प्लांट्स। तो फिर ये रॉक्स को तोड़ती हैं, उनसे सॉइल बनती है और सॉइल जो है वो हायर प्लांट्स को क्या करती है, ग्रो करवाती है। ये तो पॉइंट क्लियर है सबको। उसके बाद इसमें एक हमारे पास स्पीसीज आती है जिसको हम स्फेगनम का नाम देते हैं, मॉस है स्फेगनम। स्फेगनम जो है जब जमीन के नीचे इकट्ठी होती जाती है तो वो हमें पीट बना के देती है, और पीट को हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं। जैसे तुमने देखी होगी वो रोड बनती है ना, रोड के लिए हम लुक यूज करते हैं, है ना, ब्लैक ब्लैक वो पत्थर जैसी होती है, उसको मेल्ट कर करके वो उसका थोड़ा सा जो है लिक्विड सी फॉर्म में लेके आते हैं, फिर उसको गर्म कर करके, मेल्ट कर करके उस फॉर्म में उसमें वो बजरी वगैरह घोल के उससे क्या बनाते हैं, रोड बनाते हैं। तो पीट भी ऐसी होती है ब्लैक से कलर की, और ये जमीन के नीचे इसकी जब मतलब प्रॉपर डिकम्पोजिशन नहीं होती स्फेगनम की तो ये बनता है, और इसको भी हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं। और दूसरी चीज, स्फेगनम जो है इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी काफी अच्छी है, अपने अंदर ये अपने बॉडी वेट से काफी गुना ज्यादा पानी अब्सॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से हम इसको एज अ पैकिंग मटेरियल यूज करते हैं फॉर द ट्रांसशिपमेंट ऑफ द लिविंग मटेरियल्स। जो लिविंग मटेरियल्स की ट्रांसशिपमेंट करनी होती है उसके बीच में हम स्फेगनम को पानी में डाल के रख देते हैं, और स्फेगनम जरूरत से ज्यादा पानी होल्ड करके वहां पे रहती है। देन उसके बाद सम मॉसेस प्रोवाइड फूड। Relationship provide. अब मुझे तुम्हारे मैसेज मिलने शुरू हुए हैं। इट इज नॉट सेप्रोफाइट मयंक, इट इज स्पोरोफाइट। इट इज नॉट सेप्रो, इट इज स्पोरो, क्योंकि स्पोर्स बना के देने हैं। ओके खुशी, ओके कोई बात। तो उसके बाद अगली चीज देखो, सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। कई जो मॉसेस हैं वो फूड प्रोवाइड करती हैं हर्बेशियस मैमल्स को, बर्ड्स को और अदर एनिमल्स को। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो पहली चीज जो थी हमारे पास वो क्या थी कि दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन बिकॉज दे फॉर्म डेंस मैट ऑन द सॉइल। ठीक है, और सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करती हैं। देन लाइकन्स के साथ साथ दे आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स जो बेयर रॉक्स के ऊपर ग्रो करके उन रॉक्स को सूटेबल बनाते हैं टू अलाउ द ग्रोथ ऑफ अदर हायर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जिसकी वजह से इकोलॉजिकल सक्सेशन होती है। देन स्फेगनम हमें एक तरह का फ्यूल देती है जिनका नाम है पीट, इसीलिए स्फेगनम को हम कॉमन नेम देते हैं, दैट इज द पीट मॉस। मोर ओवर स्फेगनम हैज वॉटर रिटेनिंग कैपेसिटी, गुड वॉटर रिटेनिंग कैपेसिटी, दैट्स वाई इट इज यूज फॉर द ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटीरियल। देन कई मॉसेस जो हैं दे सर्व एज अ फूड फॉर हर्बेशियस मैमल्स एंड बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स, और इनकी कोई खास इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हमारे पास नहीं है।
ठीक है, एनसीईआरटी ने ये भी लाइन लिखी है साथ में कि जो ब्रायोफाइट्स हैं वो हमारे लिए कोई ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के नहीं है, बस यही दो चार हैं जो हमने याद रखनी है, ऑल्दो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट फिर भी स्टिल एनसीईआरटी ने ये लाइन लिखी है कि दे आर ऑफ नॉट ऑफ मच इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास ब्रायोफाइटा के जनरल करेक्टर्स हो गए। इसके बाद हम ब्रायोफाइटा को क्लासीफाई करते हैं। देखो अगर हम क्लासिफिकेशन करें, ये लाइफ साइकिल है, मैंने 2 मिनट के लिए ऐसे ही रखा है, अगर किसी ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, रादर मैं ही ले लेती हूँ पिक, मैं तुम्हें भेज दूंगी, रुको वेट करो। तो देखिए मैंने पिक सेंड कर दिया तुम्हें इसके लाइफ साइकिल की, तो ये इसके जनरल करेक्टर्स हैं। अब हमने इसको क्लासिफाई करना है, तो अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, अगर तो हम दूसरी बुक्स के अकॉर्डिंगली क्लासिफाई करते हैं, तो दूसरी बुक्स इसको तीन उसमें क्लासिफाई करती है, कि इसके तीन वो है क्लासेस है हमारे पास। पहली हमारे पास आते हैं लिवर वर्ड्स, दूसरे हमारे पास आते हैं हॉर्न वर्ड्स, और तीसरी हमारे पास आती है मॉसेस। लिवर वर्ड्स को नाम दिया जाता है हिपेटिकोप्सिडा। हिपेटिकोप्सिडा क्यों? हिपेटिक वर्ड इज रिलेटेड विद लिवर, तो लिवर वर्ड्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनकी शेप थोड़ी थोड़ी लिवर जैसी होती है। ठीक है, हॉर्न वर्ड्स को हम दूसरा नाम देते हैं, दैट इज द एंथोसिरोप्सिडा। Then comes the mosses. Mosses को हम नाम देते हैं bryopsida. But NCERT कहती है कि दो ही ग्रुप्स हैं, एक हमारे पास है hepaticopsida, liver birds, और दूसरे हैं mosses. तो ये वाला जो है हम भी नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम भी इन दो को ही डिटेल में पढ़ेंगे, दैट इज द लिवर बर्ड्स एंड मॉसेस। ठीक है, तो जनरल करेक्टर्स तुम पढ़ के रखोगे, अभी हमारे पास 1 मिनट से कम बचा है, जनरल करेक्टर्स सारे पढ़ लोगे तुम, पढ़ने के बाद अगर कोई डाउट है तो पूछोगे, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम इनकी क्लासिफिकेशन जो है वो पूरी कर लेंगे, उसमें जनरल करेक्टर्स सेम रहेंगे, बस दो चार चीजें एक्स्ट्रा करनी है वो मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। ठीक है, ओके जी, टिल देन ओके, बाय बाय, टेक केयर। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन SMS मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप कर दो मुझे, ओके, थैंक यू मैम, ओके बच्चे, ओके, टेक केयर। हरकीरत आपका वो हो गया था।